मूवी की शुरुआत होती है और हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो कि जंगल में होती है और गधे को पकड़कर चर्च की तरफ जा रही होती है। वहीं हम दूसरी नन सिस्टर जनवरा को देखते हैं जो सिस्टर फर्नांडा से पूछती है, कल रात तुम कहाँ थी? फर्नांडा कहती है, मैं इस गधे को ढूंढने गई थी क्योंकि यह गधा यहाँ से भाग गया था और इसे ही ढूंढते ढूंढते सवेरे हो गया। जिस पर जनवरा बोलती है, यह गधा हर रोज कैसे भाग जाता है? ये बहुत ही अजीब बात है क्योंकि मैं रोज अच्छे से गेट लॉक करती हूँ। यह दोनों एक दूसरे से बात कर ही रही होती हैं कि उसी वक्त वहाँ से उस चर्च का माली गुजर रहा होता है और वह माली इन दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है और बदले में यह दोनों उसे बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ देती हैं और गुस्सा भी करने लगती है। जिसके बाद हम सभी नंस को चर्च में देखते हैं जो कि प्रेयर कर रही होती हैं। जिसके बाद वहाँ की हेड सिस्टर मारिया फर्नांडा से पूछती है कि तुम कल रात कहाँ थी? जिस पर फर्नांडा बोलती है कि कल गधा फिर से भाग गया था और मैं इसे ही पकड़ने गई थी। जिसे सुनकर सिस्टर कुछ भी नहीं कहती। अब ये गधा बार बार क्यों भाग जाता है ये हमें बाद में पता चलेगा। वहीं हम दूसरी सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम अलेक्जेंड्रा होता है, जो कि अपने रूम में बैठी होती है और कपड़े में कढ़ाई कर रही होती है और बहुत ही दुखी होती है क्योंकि सिस्टर अलेक्जेंड्रा चर्च में रहना नहीं चाहती थी और वह अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी और बाहर जाकर अपनी लाइफ को जीना चाहती थी। वहीं हम सिस्टर जनवरा को देखते हैं जो कि हेड सिस्टर मारिया के साथ होती है और उनसे कुछ बातें कर रही होती है कि तभी वह बुक में एक पिक्चर को देखती है जो कि कुछ विच रिचुअल्स के बारे में होती है, जिसे वह कुछ देर देखती और पढ़ती है और इग्नोर कर रख देती है। वहीं सिस्टर अलेक्जेंड्रा के फादर मिलने आते हैं। उसके फादर बोलते हैं कि उसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा क्योंकि लड़के वाले बहुत ही ज़्यादा दहेज मांग रहे हैं। इस पर सिस्टर अलेक्जेंड्रा कहती है, अगर आप चर्च में पैसा देना बंद कर दे तब दहेज के लिए पैसा का इंतजाम हो जाएगा। अलेक्जेंड्रा के फादर यह बात सुनकर मना कर देते हैं, जिसे सुनकर सिस्टर अलेक्जेंड्रा बहुत ही दुखी हो जाती है। अगले दिन हम तीनों नंस को एक साथ देखते हैं जो अपने बुने हुए कपड़ों को ले जा रही होती है। वहीं अलेक्जेंड्रा अपने फादर से की हुई बातें दोनों सिस्टर को बता रही होती है, जिसे सुनकर वे दोनों भी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तभी वहां फिर से वह माली आ जाता है जिसने इन लोगों को सुबह ही गुड मॉर्निंग कहा होता है। वह माली इन तीनों सिस्टर को गंदी नजरों से देखता है। ऐसा करते हुए तीनों नंस उसे देख लेती है और यह तीनों मिलकर उस माली को खूब गालियां देने लगती है और साथ ही अपने दिल की भड़ास भी निकाल रही होती है। उनका इतने से भी मन नहीं भरता तो वह उस माली की पिटाई भी कर देती है। वहीं दूसरी ओर हम फादर तमासो को देखते हैं जो कि सिस्टर के बुने हुए कपड़े को बाजार लेकर जाने वाले थे और जैसे ही वह बाजार की तरफ निकलते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात उस माली से हो जाती है। वह माली फादर से कहता है कि अब वह इस चर्च में काम नहीं करना चाहता क्योंकि उन तीनों नंस ने मुझे बहुत ही पीटा और साथ में बहुत सारी गालियां भी दी। फादर तमासो उसे समझाने की पूरी कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम इस चर्च को छोड़कर मत जाओ। लेकिन वह माली फादर की बात को नहीं मानता और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम इस मूवी में लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ फ्रांसिका के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वह अपनी वाइफ से काफ़ी सारी बातें कर रहा होता है लेकिन उसकी वाइफ का सारा ध्यान नौकर की तरफ होता है और वह नौकर भी अपने मालकिन को देखे जा रहा होता है जिसका नाम मसाटो होता है। जिसके बाद रात में हम उन दोनों को इंटीमेट होते देखते हैं। इंटीमेट होने के बाद यह दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसी वक्त फ्रांसिका अपने नौकर से कहती है, उसके हस्बैंड से कुछ भी नहीं हो पाता, उसे तो बस पक पक करना ही आता है। जिसके बाद यह दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं कि तभी कमरे में लॉर्ड ब्रूनो अंदर आ जाता है। कमरे में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था इसलिए इस बात का फ़ायदा उठाकर मसाटो भागने लगता है लेकिन लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के क्वार्टर में आ जाता है जहां मसाटो सोने का नाटक करता है।
इसके बाद लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों के चेस्ट में हाथ रखकर चेक करने लगता है, जिससे उसे पता चल सके कि कौन अभी दौड़कर आया है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट तेज होगी। वहीं लॉर्ड ब्रूनो मसाटो के चेस्ट में हाथ रखता है और मसाटो की दिल की धड़कन काफी तेज होती है, लेकिन काफी अंधेरा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसे पहचान नहीं पाता है, इसलिए वह उस नौकर का पोनीटेल काट देता है, जिसकी वजह से उसे सुबह होते ही यह बात पता चल सके कि आखिर वह आदमी कौन था जिसने उसकी वाइफ के साथ गुटरगू किया। पर लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही मसाटो उठ जाता है और वह अपने सारे साथियों की पोनीटेल को काट देता है। वहीं जब सुबह होती है तो लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों को एक साथ लाइन में खड़ा कर देता है, पर यहाँ वह सभी के पोनीटेल को कटा देखकर वह समझ नहीं पाता कि वह आदमी कौन था, जिस वजह से मसाटो बच जाता है। वहीं अगली सुबह हम फिर से फ्रांसिका और लॉर्ड ब्रूनो को डिनर टेबल में देखते हैं, जहां फ्रांसिका मासेटो को ही घूर रही होती है, जिसे देखकर लॉर्ड ब्रूनो को उन दोनों पर शक होता है। जिसके बाद हम मासेटो को देखते हैं जो कि काम कर रहा होता है कि तभी उसके पास फ्रांसिका आती है, क्योंकि वह उसके साथ फिर से इंटीमेट होना चाहती थी, पर मासेटो उसे मना करता है, पर फ्रांसिका उसके साथ वही इंटीमेट होने लगती है। पर तभी लॉर्ड ब्रूनो फ्रांसिका और मैसेटो को देख लेता है। वहीं मैसेटो लॉर्ड ब्रूनो को देखते ही वहां से भागने लगता है और उसे पकड़ने के लिए लॉर्ड ब्रूनो के सैनिक उसके पीछे भागने लगते हैं, पर वह दोनों सैनिक बहुत ही थक जाते हैं। तभी एक सैनिक कहता है, रुक जा, मेरे मोटापा का तो ख्याल कर, कितना भागेगा बे। पर मसाटो तो रुकता ही नहीं और वह जंगल की तरफ भाग जाता है। वहीं जंगल में भागते हुए मसाटो फादर तमासो को देखता है, जो कि काफ़ी नशे की हालत में होते हैं और उनकी गाड़ी नदी में पलट चुकी होती है और उनके सारे कपड़े नदी में बह रहे होते हैं। मसाटो यह सब देखकर फादर की मदद करता है, जहां फादर तमासो उसे थैंक यू कहते हैं कि मैं तुम्हें रीपे करना चाहता हूँ। तब मसाटो कहता है कि मुझे रहने और खाने के लिए कुछ काम चाहिए, जिस पर फादर तमासो उसे अपने साथ चर्च आने को कहते हैं। चर्च जाते हुए फादर तमासो कहते हैं कि तुम वहां पहुंचकर गूंगे और बहरे होने का नाटक करना, नहीं तो वहां के सिस्टर तुम्हें बहुत मारेंगी। अगले दिन यह दोनों चर्च पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर फादर तमासो मैसेटो की मुलाकात सिस्टर मारिया से करवाते हैं, जहाँ फादर तमासो कहते हैं यह सुन और बोल नहीं सकता और यह गार्डनिंग का काम भी बहुत ही अच्छे से जानता है। फादर तमासो मैसेटो को काम में रखने के लिए बोलते हैं, पर सिस्टर मारिया पहले तो मैसेटो को वहाँ रखने से मना करती है, लेकिन फादर के कहने के बाद उसे मालिक का जॉब दे देती है। वहीं हम सिस्टर जेनवेरा को देखते हैं, जो कि गधे के साथ होती है, और जब वह मैसेटो को काम करते हुए देखती है तो वह उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ मैसेटो उसे इशारे से समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर जेनवेरा को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह वहाँ से चली जाती है। वहीं हॉल में हम देखते हैं जहाँ सिस्टर फर्नांडा और अलेक्जेंड्रा बातें कर रही होती हैं। तभी वहाँ मैसेटो आता है और उन्हें देखकर स्माइल करता है और अपना काम करने लग जाता है। तब फर्नांडा उसे देखते हुए कहती है कि इसने देखकर स्माइल किया, आखिर ये है कौन, और गुस्से में हाथ में कुल्हाड़ी लेते हुए उसके पास पहुंच जाती है और उसे डराते हुए पूछताछ करने लगती है कि तुम कौन हो। पर मैसेटो उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है, वह उसे इशारे में समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर सिस्टर फर्नांडा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ सारी सिस्टर पहुँच जाती हैं। तब सिस्टर मारिया सभी लोगों को बताती है, यह हमारा नया माली है, इसका नाम मैसेटो है और यह गूंगा और बहरा है। तब जाकर फर्नांडा शांत होती है, जिसके बाद फर्नांडा मैसेटो के कान में जोर से कहती है कि उठ जाओ। वहीं खड़ी जेनवेरा कहती है कि यह सुन नहीं सकता, जिसके बाद फर्नांडा पागलों की तरह मैसेटो के कान में जोर से चिल्लाती है
और उसे सुन के मसेटो की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। वहीं अगले दिन सिस्टर अलेक्जेंड्रा जब कपड़े पर कढ़ाई कर रही होती है तो उसकी लकड़ी टूट जाती है, जिसके बाद सिस्टर अलेक्जेंड्रा मसेटो के पास जा रही होती है ताकि वह इसे ठीक कर दे। पर सिस्टर जेनवरा अलेक्जेंड्रा को जाते देख लेती है और वह वहीं छुपकर उस पर नजर रखने लगती है। वहीं अलेक्जेंड्रा मसेटो को इशारे से ठीक करने को कहती है, जिसे मसेटो ठीक करने लगता है। अलेक्जेंड्रा अपने दिल की भड़ास निकाल रही होती है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, बस यहाँ सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम करना ये मुझे नहीं पसंद, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। अलेक्जेंड्रा यह सब इसलिए कह रही होती है क्योंकि वह किसी को भी कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि वह ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है, इसलिए वह अपने दिल की भड़ास वहाँ निकाल रही होती है। जिसके बाद हम रात को देखते हैं कि फादर तमासो मसेटो के कमरे में आते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरा, क्या तुम ठीक हो, क्योंकि यहाँ के नंस बहुत ही डेंजर हैं। जिस पर मसेटो कहता है कि यहाँ के नंस सच में बहुत ही डेंजर हैं, मेरी तो फट के हाथ में आ गई थी। जिस पर फादर तमासो कहते हैं कि कोई बात नहीं, वह तुम्हें हार्म नहीं करेंगी, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। वहीं फर्नांडा अपने कमरे में होती है कि तभी उसके खिड़की में कोई पत्थर फेंकता है। जब वह खिड़की खोलती है तो वह देखती है कि उसकी बचपन की फ्रेंड मार्था उससे मिलने आई होती है। इसके बाद यह दोनों मिलकर अलेक्जेंड्रा के रूम में जाते हैं, जिसके बाद यह लोग मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ सिस्टर जेनवेरा भी आ जाती है और सभी मिलकर एंजॉय करने लगते हैं और ड्रिंक करते करते गंदी बातें भी करने लगते हैं, जहाँ मार्था उन्हें इंटीमेट होने के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। मार्था की बातें सुनकर यह लोग भी काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसके बाद नशे की हालत में फर्नांडा और जेनवेरा रोमांस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं अगली सुबह हम मसेटो को देखते हैं जो कि जमीन की खुदाई कर रहा होता है। तभी वहां पर सिस्टर अलेक्जेंड्रा आ जाती है और मसेटो को इशारों से कह रही होती है कि मैंने यह रुमाल तुम्हारे लिए बनाया है, जिसके बाद वह उस रुमाल से उसके सर को पोंछने लगती है और मसेटो के साथ बातें करने लगती है, जहाँ अलेक्जेंड्रा उसे अचानक से किस कर लेती है और धीरे धीरे वह मसेटो को सेड्यूस करने लगती है और वह उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देती है। और मसेटो भी इस चांस को नहीं छोड़ता है, जहां दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं कि तभी चर्च की घंटी बजती है, जिसके बाद अलेक्जेंड्रा अपने आप को ठीक करते हुए चर्च में प्रे करने चली जाती है। वहीं चर्च में फर्नांडा अलेक्जेंड्रा के स्कार्फ में मिट्टी लगी हुई देखती है और उसके हाथों में भी मिट्टी को नोटिस करती है, जिसके बाद हम जेनवेरा और फर्नांडा को कपड़े धोते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ अलेक्जेंड्रा भी आ जाती है, जो कि काफ़ी खुश दिख रही होती है और उन दोनों से कह रही होती है कि पिछली रात बहुत ही मज़ा आया। जिस पर फर्नांडा कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए, जिस पर अलेक्जेंड्रा कहती है कि वो मैं मसेटो की गड्ढे खोदने में मदद कर रही थी। ये सुनकर जेनवेरा और फर्नांडा को यकीन नहीं होता, क्योंकि अलेक्जेंड्रा कोई भी काम नहीं करती थी और वह अचानक से अपने कपड़े धोने आई होती है, जिस पर फर्नांडा को भी उस पर शक होने लगता है। जिसके अगले दिन हम फर्नांडा और मार्था को जंगल की तरफ जाते हुए देखते हैं, जो कि कुछ जड़ी बूटी खोज रही होती है, जिसके बाद यह दोनों जंगल में मेलाडोना बना रही होती है। मेलाडोना पत्तों से बनाया जाता है और यह एक ऐसा लिक्विड होता है जिसे यूज करके मर्दों को अट्रैक्ट किया जा सके। मार्था फर्नांडा की आंख में मेलाडोना की दो बूंद डालती है और उसकी उंगली में एक कट लगाकर खून को उसके गालों में लगाती है, और यह सब करते हुए जेनवेरा उसे छुपके से देख रही होती है। जिसके बाद फर्नांडा और मार्था मसेटो के कमरे में जाती है और फर्नांडा उसे चाकू दिखाते हुए उसे डराती है, और यह दोनों मसेटो को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है और धीरे धीरे मसेटो भी इन दोनों की जाल में फंस जाता है, जिसके बाद यह तीनों इंटीमेट होते हैं।
अपना काम खत्म करने के बाद यह दोनों मैसेटो के कमरे से बाहर चली जाती है। वहीं बाहर उन्हें जेनवेरा मिलती है। जेनवेरा पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर फर्नांडा कुछ भी जवाब नहीं देती, जिस पर जेनवेरा कहती है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। फर्नांडा नो में जवाब देती है, पर जेनवेरा भी समझ जाती है कि वह उससे कुछ तो छुपा रही है। वहीं रात को फादर तमासो मैसेंटो के कमरे में आते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि मैसेंटो भी यहाँ से काम छोड़कर भाग ना जाए। पर मैसेंटो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ काम करके बहुत ही खुश हूँ और मैं यहीं रहूँगा, क्योंकि मैसेंटो को यहाँ तो सभी नन से भर भर कर प्यार मिल रहा होता है और वह भी बिना मांगे। इसलिए अब वह भी इन नन्स की कमजोरी को जान चुका होता है कि उन्हें क्या चाहिए, इसलिए वह बहुत ही खुश होता है। वहीं अगली सुबह हेड फादर चर्च का दौरा करने आते हैं। फादर तमासो और सिस्टर मारिया उन्हें चर्च घुमाती हैं। वहीं दूसरी ओर मैसेंडो सिस्टर अलेक्जेंड्रा के रूम में आता है। यह दोनों इंटीमेट हो ही रहे होते हैं कि उसी वक्त वहां एक ओल्ड नन आ जाती है, जिसे देखकर मैसेंडो बोल पड़ता है। मैसेंडो को बोलता सुन अलेक्जेंड्रा एकदम से चौंक जाती है और उस ओल्ड नन को देखते ही यह लोग घबरा जाते हैं। वहीं अलेक्जेंड्रा अपने आप को ठीक करते हुए उस ओल्ड नन की मदद करने लगती है। वहीं मैसेंडो बेड के नीचे छिप जाता है। वह ओल्ड नन नहीं सुन सकती थी, इसलिए वह इन दोनों की हरकतों को नहीं जान पाती है। मैसेंडो बेड से निकलकर खिड़की से भागने की सोचता है, पर तभी वहाँ पे सिस्टर मारिया और फादर भी आ जाते हैं। मैसेंडो यह देखकर फिर से बेड के नीचे छिप जाता है और उन लोगों के जाने के बाद वहाँ से खिड़की के रास्ते निकल जाता है, जिसके अगले दिन हम जेनवेरा को देखते हैं, जो कि मैसेंडो को आराम करते हुए देख रही होती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अब वह भी मेलाडोना बनाने लगती है, लेकिन वह अपने आँखों में डालने के बजाय पी लेती है, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं, जिसके बाद वह अपने हाथ में एक कट लगाती है और उससे निकलने वाले खून को अपने गालों में लगाने लगती है। इधर अलेक्जेंड्रा मैसेंडो के कमरे में आती है और वह उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वह गूंगा और बहरा है। इन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहां जेनवेरा की आने की आवाज़ सुनकर अलेक्जेंड्रा भागकर एक कोने में छिप जाती है और मैसेंडो सोने का नाटक करने लगता है। वहीं जेनवेरा पर मेलाडोना का नशा छाया होता है, जिस वजह से वह मैसेंडो के पास जाते ही रोमांस करने लगती है और पागलों की तरह हरकत करने लगती है। लेकिन तभी उसे फर्नांडा के आने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वह भी जल्दी से जाकर कोने में छिप जाती है, जहां उसकी मुलाकात अलेक्जेंड्रा से होती है। यह दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं, जिसके बाद उस कमरे में फर्नांडा आती है और वह चाकू दिखाकर मैसेंडो को किडनैप कर लेती है और उसे जंगल में ले जाने लगती है। और हम उसी के साथ गधे को देखते हैं। अलेक्जेंड्रा और जेनवेरा दोनों छिपकर उसका पीछा करने लगती हैं। जब वह लोग जंगल में पहुंचते हैं, तब यह लोग वहां कुछ अलग ही चीज देखते हैं। यह लोग देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच आग जली हुई है और आग के चारों ओर चुड़ैल नंगी नाच रही होती हैं। वहीं पास में मैसेंडो भी बंधा पड़ा होता है। यह देखकर अलेक्जेंड्रा कहती है कि आखिर यह सब क्या चीज है। तब जेनवेरा कहती है कि मैं जानती हूँ, मैंने इसे बुक पर पढ़ा था। यह चुड़ैले हैं और यह बलि देरी हैं। यह किसी तरह का रिचुअल है और यह रिचुअल के बारे में हमने सिस्टर जेनवेरा को बुक में पढ़ते भी देखा था, जिससे हमें पता चलता है कि फर्नांडा रोज गधे को ढूंढने के बहाने रिचुअल करने आया करती थी। यह सब देखकर वह दोनों समझ जाती हैं कि फर्नांडा और मार्था मैसेंडो की बलि चढ़ाने वाली हैं। तभी मैसेंडो भी बोल पड़ता है, जिसे सुनकर मार्था और फर्नांडा को भी पता चल जाता है कि वह गूंगा और बहरा नहीं है। वहीं नशे की हालत में सिस्टर जेनवेरा अपने कपड़े उतार कर रिचुअल में शामिल हो जाती है और उनके साथ नाचने लगती है। तभी मार्था मैसेंडो को मारने ही वाली होती है,
तभी वहां पर अलेक्जेंड्रा भी पहुंच जाती है और मैसेंडो को बचा लेती है। वहीं जेनवरा नशे की हालत में सभी चुड़ैलों को मारने लगती है और खून से लथपथ हो जाती है। मार्था जेनवरा को रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जेनवरा मार्था को एक डंडे से मारती है जिससे मार्था वहीं बेहोश हो जाती है और वह उसके कपड़े उतारकर पहन लेती है और चर्च की तरफ भाग जाती है और चर्च में पहुंचकर चिल्लाने लगती है। जेनवरा की शोर को सुनकर वहां फादर भी आ जाते हैं। तब जेनवरा फादर से कहती है कि फर्नांडा एक विच है। तभी वहां पर फर्नांडा अलेक्जेंड्रा और मैसेंडो भी पहुंच जाते हैं। तब जेनवरा फर्नांडा और अलेक्जेंड्रा को देखकर ये भी कहती है कि ये दोनों मैसेंडो के साथ सो चुकी हैं, जिस पर अलेक्जेंड्रा कहती है कि नहीं, ये झूठ है, बल्कि यह खुद मैसेंडो को पाना चाहती है। यह सब चीजें सुनकर फादर मारिया को बाहर बुलाते हैं, लेकिन उसी वक्त सिस्टर मारिया के कमरे से फादर तमासो भी बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। यह सब देखकर फादर अगले दिन सभी को सजा सुनाते हैं। वह फादर तमासो को दूसरे चर्च में भेज देते हैं जहाँ सिर्फ मर्द होते हैं, और मैसेंडो को फिर से लॉर्ड ब्रूनो के पास भेज दिया जाता है, जहां लॉर्ड ब्रूनो उसे जेल में बंद कर देता है। जिसके बाद हम इन तीनों सिस्टर्स को देखते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से माफी मांगती हैं। तब सिस्टर जेनवरा फर्नांडा को कहती है कि क्या तुम विच हो, जिस पर फर्नांडा हाँ में जवाब देती है। तब जेनवरा कहती है कि मैं तुम्हें विच बोल सकती हूँ। तब फर्नांडा स्माइल कर देती है और तीनों को ही मैसेंडो की बहुत चिंता भी हो रही होती है। वहीं दूसरी ओर हम मैसेंडो को देखते हैं जो कि जेल में बंद होता है। तभी वहां पर लॉर्ड ब्रूनो आता है और कहता है कि उसने अपनी वाइफ को डॉग्स और पिग्स के साथ बांध दिया है और उसे बहुत ही दर्दनाक मौत देने वाला है, और वह मैसेंडो को यह कहता है कि वह इससे भी ज्यादा उसे टॉर्चर करने वाला है। जिसके बाद लॉर्ड ब्रूनो वहां से चला जाता है। वहीं हम कुछ देर के बाद उस जेल में एक कछुए को देखते हैं जिसकी पीठ में एक मोमबत्ती लगी हुई होती है। उस कछुए को उन तीनों सिस्टर ने वहां भेजा था ताकि वह उन सैनिकों का ध्यान उस कछुए की तरफ लगा सके और यह तीनों मैसेंडो को आजाद कर सके। जैसे ही जेल में सैनिक उस कछुए के पीछे जाते हैं, सिस्टर्स वहां आकर मैसेंडो को नन वाले कपड़े पहना देती है और उसे अपने साथ वहां से लेकर निकल जाती है। वहीं जेनवरा मैसेंडो की जगह एक पुतला रख देती है, जिसके वजह से सैनिकों को लगता है कि वह पुतला मैसेंडो है। जिसके बाद यह चारों सभी जंगल की तरफ भागने लगते हैं। यह चारों बहुत ही खुश होते हैं। वहीं मारिया गधे को लेकर तमासो से मिलने आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। तभी इन लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उस आवाज़ को सुनकर यह दोनों छिप जाते हैं और तभी फर्नांडा उस गधे को देखती है कि यह गधा यहाँ कैसे आया। जेनवरा उसे वहाँ से चलने को कहती है, जिसके बाद मदर मारिया और तमासो देखते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि तीनों नंस और मैसेंडो हैं। और चारों के वहां से चले जाने के बाद यह दोनों एक दूसरे को प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।